दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेवल इन हिस्ट्री विद जी एम खान। तो आज इस वीडियो में हम आपको ज़माने कदीम की एक अजीम ईजाद यानी पंचक्की या वाटर मिल के बारे में बताएंगे। यकीनन पंचक्की के ईजाद से इंसान अचानक इस काबिल हुआ कि वो सादा अनाज जैसे गंदम, मकई और चावल वगैरह को अहम ग़िज़ा में तब्दील कर सके। पंचक्की के चलने के लिए बिजली या किसी ईंधन की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि इसके लिए सिर्फ पानी का बहाव चाहिए और फिर ये चक्की चलती ही जाती है और आटे का ढेर लगा देती है। यकीनी तौर पर पानी की चक्की के ईजाद से कबल भी इन दानों को पीस कर आटा बनाना मुमकिन था, लेकिन इस सादा ईजाद ने इस सारे अमल को बहुत ही आसान बना दिया। पंचक्की के ईजाद का सेहरा कदीम यूनानियों को जाता है, जिन्होंने 34वीं सदी कबल मसीह के आसपास इसको ईजाद किया। मशहूर यूनानी इंजीनियर और मैकेनिक फेलो मैकेनिक्स ने 280 कबल मसीह में अपने तहकीकी मकालों में पंचक्की का तذکرہ किया है, जिसका मतलब है कि उस वक्त पंचक्की ईजाद हो चुकी थी। बहरहाल वक्त गुज़रने के साथ साथ पानी की ये चक्की और भी नफीस होती गई। कदीम यूनानियों का बनाया हुआ डिज़ाइन बहुत आसान था और इसने काफ़ी मुअस्सर तरीके से काम किया। बाद अज़ा दूसरी सकाफतों ने भी इस असली पंचक्की के वर्जन को इस्तेमाल करना शुरू किया, यहाँ तक कि पंचक्की का इस्तेमाल बिल्कुल आम हो गया। यूनानी तारीख़ी रिवायत के मुताबिक हिंदुस्तान ने 34वीं सदी ईस्वी के अवायल में रोमन सल्तनत से पानी की चक्कियाँ हासिल की। इस्लामी दुनिया में वाटर मिल्स का सनती इस्तेमाल 7वीं सदी ईस्वी में शुरू हुआ और 11वीं सदी तक अंदलुस और शुमाली अफ्रीका से लेकर मशरिक़ वस्ता और वस्ती एशिया तक पूरी इस्लामी दुनिया के हर इलाके में ये सनती पंचक्किया काम कर रही थी। 11वीं से 13वीं सदी ईस्वी के दरमियान अंदलुस में तामीर करदा बड़े बड़े कारखानों में भी सनती पंचक्किया लगाई गई। आज से चंद दहाइयाँ कबल तक पंचक्किया हर इलाके की अहम ज़रूरत बल्कि लाजमी जुज़ हुआ करती थी। इन पंचक्कियों में मोटे आटे के लिए पानी की रफ़्तार तेज़, जबकि बारीक आटा बनाने के लिए पानी की रफ़्तार आहिस्ता रखी जाती थी। पेशावर में भी जगह जगह नहरों और नदी नालों पर शोर मचाती पंचक्कियों को देखा जा सकता था, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ फ्लोर मिलों ने पंचक्कियों की अहमियत ख़त्म कर दी, जिसके बाद पंचक्कियाँ मादूम होना शुरू हुई। आज भी पेशावर में सिर्फ 2 पंचक्कियाँ मौजूद हैं, जिनमें एक शामी रोड पर वाक़िया हैं, जबकि ये दूसरी पंचक्की तरना फार्म के इलाके में मौजूद हैं। इलाके के लोगों के मुताबिक तरना फार्म में मौजूद अंग्रेज़ दौर की तामीर करदा ये पंचक्की तकरीबन 120 साल पुरानी हैं, मगर आज भी गिरदनुमा के लोग गंदम और अनाज पीसने के लिए यहाँ लाते हैं। ताहम जिस तेज़ी के साथ साइंस और टेक्नोलॉजी हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी पर असरंदाज हो रही है, तो बहुत जल्द लोग इस 2500 साल कदीम ईजाद को भूल जाएंगे और पंचक्की का तस्करा और तस्वीर सिर्फ किताबों में रह जाएंगी।